हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स पार्ट वन में हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की, कि जो फ्रैक्शन होते हैं दो या तीन या चार, उनको किस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। अभी तक के हमने कुल 42 सवाल किए हैं, जिनमें से हमने आप लोगों को बताया था कि किस किस प्रकार से हम जो फ्रैक्शन होते हैं उनको ऐड करते हैं। फिलहाल आप लोग जो है 43 सवाल समझेंगे। ये सवाल है 2/3 प्लस 1/3 प्लस 5/3। ठीक है बेटा, आप सबसे पहले देखिएगा कि डिनोमिनेटर जो है क्या सेम है। बिल्कुल सेम है ना बेटा। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना बेटा, तो ये चीज को अपने दिमाग में रखिए कि जो उसका एलसीएम होगा वो बिल्कुल सेम आएगा, यानी कि 3 है तो फिर 3 ही आएगा। और जो आपके ऊपर जो न्यूमरेटर में संख्या लिखी है उनको आप लोग ऐड कर देंगे, 2 में ऐड करेंगे, 1 में ऐड करेंगे बेटा 5, टोटल देखिएगा आप कितना हो जाएगा, 3 आएगा आपका डिनोमिनेटर में, और 2 और 1 3 और 5 अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल हो जाएगा 8। ठीक है, आज में बिल्कुल सवाल नंबर 44 आप इसी प्रकार से ट्राई करेंगे, बिल्कुल सिंपल होगा। ये है 2/11 प्लस 3/11 प्लस 4/11। उम्मीद है इस सवाल को भी आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। अब थोड़ा सा संख्याओं को बदल देते हैं। सवाल नंबर 45 देखिएगा, अगर आपको 2 से अधिक मिलेंगे, तो यहाँ पे 6 दे दिया, 1/4 दे दिया, 3/2 आपको दिया हुआ है, तो इस प्रकार के सवालों में आप किस तरीके से एलसीएम लेते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले आप 6 को अलग लिख दीजिएगा, 4 को अलग, 2 को अलग, और एलसीएम लेना शुरू। देखिए 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स आता है, ये 2 टाइम्स आता है, ये सिंगल टाइम आता है, उसके बाद 2 से फिर ये कैंसिल होगा, ये तो हो जाएगा, ये तो फिर नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। आगे देखिएगा 3 बन जा 3, तो आप देखेंगे कि 2 2 4 4 3 12 2 2 4 3 12 इसका एलसीएम आया। और एलसीएम लाने का मैंने तरीका आपको और भी बताया था, अगर 2 या 3 टर्म दिए हो तो सबसे पहले बड़ा टर्म चुन लिया करो, जैसे बड़ा टर्म है 6, और 6 का टेबल लिख दिया करो, बस केवल 6 का टेबल इस प्रकार से होता है। ठीक है बेटा, अब आप देख लीजिएगा क्या 4 के टेबल में 6 आता है, तो आप कहेंगे नहीं आता। क्या 4 के टेबल में 12 आता है, तो कहेंगे बिल्कुल आता है। तो यानी कि 6 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। कंडीशन ये है कि जैसे 2 है तो 2 के टेबल में भी 12 आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा तो बस आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है। चलिए आगे कैसे करते हैं इसको बताइएगा। 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 2 2 4। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 बन जाए 3। 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार में, 6 की जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा बेटा 18। ठीक है, कुल मिला के कितना हो गया 22 25/12, ये आपका आंसर। अगर ये फ्रैक्शन जो उत्तर आता है आपका, अगर वो डिविजिबल है आपस में तो आप उसे काट सकते हैं, अगर वो नहीं कट रहा तो उसको आप नहीं काटेंगे। सवाल नंबर 46 ये है 2/10 प्लस 1/5 प्लस 3/2। सपोज के लिए सवाल है, हम इनका एलसीएम लेंगे पहले। ठीक है बेटा, आप एलसीएम लेके देखो, और एलसीएम जब आप ले लेंगे ना तो आप देखिएगा एलसीएम 10 आएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि बड़ा है 10 इसलिए है, आप देखना 10 ही आएगा, क्योंकि हमने बताया जो बड़ा नंबर है वो 10 है, हमने लिख दिया। तो हमने देखा क्या ये 5 के में 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपको दिक्कत ही नहीं है, तो एलसीएम इसका 10 ही आएगा, अन्यथा आप लेके देख लीजिएगा। अब देखो ये तो 10 है, ये भी 10 है, तो ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी। यहां पे देखिएगा ये 5 है और ये 10 है, कितनी बार में आएगा, 2 बार में, तो 2 बन जा 2। अब 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 15। टोटल ऐड कर दीजिएगा 2 2 4 15, ऐड करिएगा 19/10, आपस में कैंसिल नहीं होंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवालों को कर सकते हैं। 47 सवाल देखिएगा आप लोग, 3/8 2/3, चलो इस बार अलग से ले लेते हैं, 1/6। ठीक है बेटा, जब भी इस प्रकार से आपको मिले पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे 8 का, 3 का और 6 का। पहले इसको 2 से 4 बार में,
ये तो खैर नहीं कैंसिल होगा, ये तीन बार कैंसिल होगा, फिर टू से काटेंगे टू बार में, ये तो आपको आता होगा करना जी बिल्कुल। और थ्री से आप देखेंगे तो ये पूरा आपका डिविजिबल हो जाएगा। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24, तो यहां पे 24 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और जो सिंपल तरीका है, डायरेक्ट तरीका है, वो ये था कि इसमें बड़ा देखा हम लोगों ने 8 और 8 का टेबल लिख लेना फिर आप लोग, 8 वन जा 8, 2 जा 16, 3 जा 24, 4 जा 32, डॉट डॉट डॉट। और फिर आप देखिएगा 3 के टेबल में 8 नहीं आता, ना 16 आता, हाँ 24 आता है। तो 24 वो नंबर हो सकता है जो 8 में भी आता है और 3 में भी आता है। अब ये देख लीजिएगा 6 में आएगा या नहीं, आएगा तो यही एलसीएम हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो 6 के टेबल में भी 24 आता है, तो इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको एलसीएम लेना आ गया होगा। चलिए 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है। 3 के टेबल में 24 8 बार में आता है, 8 2 16 हो जाएगा बेटा ऊपर। 6 के में 4 बार में आता है, 29 ऊपर हो जाएगा, 24 नीचे हो जाएगा। सवाल नंबर 48, 49 और 50, ये आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, 1/6 है, फिर है 3/5। चलो एक सवाल है आपका 2/10, 1/5 प्लस 7/15, एलसीएम ले लेना, सोल्व हो जाएंगे। 12 है, 1/4 है, 2/3 है। ठीक है, नोट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला जो पार्ट बनाएंगे 2 बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।